कॉलेज छात्रा का अपहरण कर बंद कमरे में किया गैंग रेप। मनगवा थाना क्षेत्र का मामला, आरोपियों की तलाश में जुटी पुलिस। जिले के मनगवा थाना क्षेत्र से दुष्कर्म का मामला सामने आया है, जहां कॉलेज की छात्रा के साथ एक युवक ने मनगवा से रीवा ले जाकर दोस्त के किराए के घर के अंदर बंद कर दुष्कर्म जैसी घिनौनी वारदात को अंजाम दिया। शिकायत के आधार पर पुलिस ने अपहरण व दुष्कर्म का मामला पंजीबद्ध कर आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है। दरअसल दुष्कर्म जैसी घिनौनी वारदात का मामला जिले के मनगवा थाना क्षेत्र से सामने आया है, जहां पर मनवा के शासकीय नवीन कॉलेज में बीए प्रथम वर्ष की पढ़ाई कर रही एक लड़की के साथ युवक ने घुमाने का झांसा देकर रीवा लाया और दोस्त के किराए के घर में ले जाकर उसके साथ दुष्कर्म जैसी घिनौनी वारदात को अंजाम दिया। आरोपी अमित कुमार साहू, युवक के बीच लड़की के साथ गहरी दोस्ती भी थी, जिसका फायदा उठाकर आरोपी युवक ने लड़की को रीवा शहर घुमाने का झांसा देकर उसे रीवा लाया और फिर अपने दोस्त की किराए के मकान पर उसके साथ कमरा बंद कर मुस्कान जैसी घिनौनी वारदात को अंजाम दिया। फिलहाल पुलिस ने इस पूरे मामले पर दो लोगों को आरोपी बनाई है। मामले को लेकर रीवा पुलिस अधीक्षक नवनीत भसीन ने बताया कि शिकायत के बाद पुलिस ने तत्परता के साथ दो लोगों पर मामला पंजीबद्ध कर आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है। जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। संवाददाता अनुराग अग्निहोत्री की रिपोर्ट। सर, मनगांव में एक बच्ची का दुष्कर्म का मामला आया, क्या है सर? मनगांव में जिस फरियादी ने तो अपना जो घटनाक्रम बताया है उसे देखते हुए अपराध पंजीबद्ध किया गया है। इसमें दो आरोपी शामिल हैं और उन दोनों के लिए लगातार जो अनुभागीय अधिकारी हैं उनके द्वारा अपनी टीमें तैयार करके दबिश दी जा रही है और अतिशीघ्र उन दोनों को राउंड अप कर लिया जाएगा और उसके पश्चात अग्रिम जो भी कार्रवाई होगी वो भी आप लोगों से हम शेयर करेंगे।